गाइज अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट एंड शोएब सैयद। गाइज वेलकम टू योर चैनल ट्रैवलर्स। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। आई एम रियली हैप्पी, मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं आप सबके साथ में वापस आकर। ऑलमोस्ट मतलब डेढ़ महीने के बाद में मैं आप सबके सामने आया हूँ गाइज। और इतना खूबसूरत मौसम है, मैं आपको बता दूँ मैं अभी बागा बीच पर हूँ जो कि मेरा फेवरेट बीच है। आपको जैसे कि पता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम है। मतलब अभी यहाँ पर शाम के मतलब 7:10 बज गए, 7:10 हो रहे हैं। बट देखिए आप कितना मतलब उजाला है, और अभी थोड़ी देर में मतलब जो अंधेरा हो जाएगा, बट इट्स रियली वेरी वेरी नाइस गाइस। और देखिए बागा बीच का भी हाल आपको दिखा देता हूँ मैं ये वीडियो में। इन्फॉर्मेशन तो कुछ दूसरा देना है, बट साथ ही साथ मैं आपको ये जो बागा बीच का जो व्यू है वो भी दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि बहुत सारे लोगों का मतलब ये क्वेश्चन रहता है, हमारे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का, और जो टूरिस्ट होते हैं खासकर उनका ये मतलब क्वेश्चन रहता है कि शोएब भाई मतलब मानसून में जो है वो बीचेस का क्या हाल होता है गोवा में। सो आपको ये बता दूं मैं कि देखिए बीचेस अभी शैक्स वगैरह जो है कम्प्लीटली बंद है, रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी एक भी जो है बीच पर रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं है। मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था और इस वक्त भी बना रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे जो नए टूरिस्ट रहते हैं उनको पता नहीं होता है। और कोविड के चलते ऐसा नहीं है कि कोविड के चलते ये बंद है। गोवा में अक्सर जो है मानसून के सीज़न में जैसे जून से लेकर एंड ऑफ सितंबर तक जो है ये कम्प्लीटली ऐसे ही बीचेस कम्प्लीटली शट्स रहते हैं। मतलब कुछ भी नहीं चालू रहता है, मतलब जितने भी शैक्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सारे के सारे बंद रहते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि आज ही मतलब अभी आया, आज 22nd of June है। और बहुत ही एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है जिससे कि टूरिस्टों को काफ़ी हेल्प होने वाली है। जैसे कि अगर आपको गोवा में आना है तो दो चीज़ें हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन अगर आपके पास नहीं, आपने जो वैक्सीनेशन नहीं लिया है सो आप RT-PCR टेस्ट करा सकते हो। वैलिड RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, रिपोर्ट आपके पास में COVID-19 का नेगेटिव, तो आप जो है वो गोवा आ सकते हो गाइस। सो ये दो चीज़ें हैं। देखिए आपको ये बता दूँ कि अभी फ़िलहाल जैसे कि मई के महीने में काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शंस था गोवा में, मैं भी इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज देखिए लॉ को फॉलो करना है हमें भी। जैसे कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो सिर्फ चीज़ें जो है वो खुली रहती थी, उसके बाद में बाहर भी जो है वो जाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन देना भी काफ़ी मतलब जगहों पर जाकर, स्पॉट्स पर जाकर इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था गाइस। अभी जैसे कि जून स्टार्ट हो चुका है तो थोड़ा बहुत जो है वो थिंग्स मतलब इजियर है, लेवरेजेस वगैरह है, बट इतना नहीं। आपको मैं ये बता दूं कि देखिए मास्क वगैरह जो है दैट इज़ कंपलसरी, अगर आप गोवा में कहीं पर भी हो, बीचेस पर हो या पब्लिक प्लेसेस पर हो तो आपको मास्क कंपलसरी है, अदरवाइज आपको फाइन लगेगा। मैं अभी फ़िलहाल बागा बीच पर हूँ, और आपको ये बता दूँ कि देखिए कोई भी टूरिस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 टूरिस्ट मिले थे, मतलब कपल्स थे जो कि बैंगलोर से आए थे, इनके अलावा मैं एक भी टूरिस्ट को यहाँ पर नहीं देखा हूँ। सो बहुत ही कम टूरिस्ट है। सो जो लोग ये प्लान कर रहे थे भाई मतलब गोवा आना है, तो फिलहाल मैं आपको स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ये बता दूँ कि फिलहाल अभी थोड़ा प्लान मत करिएगा गोवा आने का। देखिए आज जो है दोपहर में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं ये देने जा रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन है मिस्टर माइकल लोबो जो कि MLA है कलंगूट के। और आपको ये बता दूँ मैं कि उन्होंने ये बताया है कि वो एक सजेशन रखेंगे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है मिस्टर प्रमोद सावंत के सामने, कि जो टूरिज़्म को है वापस से जो है एनकरेज किया जाए, रिस्टार्ट किया जाए। और उन्होंने ये एक प्रस्ताव रखेंगे, ये एक सजेशन रखेंगे कि जो टूरिस्ट आना चाहते हैं सो उनका जो 2 वैक्सीनेशन होता है वो कंप्लीट, अगर किसी ने लिया है 2 वैक्सीनेशन सो वो जो है गोवा में टूरिस्ट आ सकते हैं। अगर उनके पास में 2 वैक्सीनेशन नहीं है तो डेफिनेटली उनको जो है RT-PCR का टेस्ट वो कराना ज़रूरी है गाइज, और वो वैलिड रिपोर्ट होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, RT-PCR का कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करना चाहिए। सो ये जो है प्रस्ताव रखा है, और हो सकता है कि मतलब अगस्त से या सितंबर से, मतलब अगस्त से ही जो है वो टूरिज़्म को वापस से रीस्टार्ट किया जाने का सजेशन सामने रखा जाए। ये मिस्टर माइकल लोबो ने जो है आज की मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बताया है, और ये मैं कुछ फेक नहीं बता रहा हूँ आपको, ये न्यूज़ पर भी आप देख सकते हो गाइस। सो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि मतलब अगर कोई टूरिस्ट है जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन मतलब जिनका 1 वैक्सीनेशन हो गया है, और जिन्होंने अगर 2 वैक्सीनेशन ले लिया है सो दे कैन कम टू गोवा, अगर मतलब चीज़ें अच्छी होती है, अगर चीज़ें जो है वो एज़ फॉर द रूल्स मतलब या फिर जो गवर्नमेंट अगर इस सजेशन को एक्सेप्ट करती है तो डेफिनेटली टूरिस्ट कैन कम टू गोवा। अभी फ़िलहाल जो है गोवा गवर्नमेंट का मेन फोकस गाइज इस पर है कि वैक्सीनेशन को है, वैक्सीनेशन जो ड्राइव गोवा में है उसको 100% जो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है
उसको कम्प्लीटली जो है वो अचीव कर लिया जाए टारगेट, उसके बाद में ही टूरिज्म जो है वो रिस्टार्ट किया जाएगा. सो दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ द गोवा, मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड गोवा गवर्नमेंट एक्चुअली. सो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक थोड़ा सा मतलब रे ऑफ होप दिखाई दी है क्या, मतलब कि टूरिस्ट के लिए कि भाई हो सकता है अगस्त से मतलब वापस से थोड़ा सा रिस्टार्ट हो जाए. बट मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए वैसे भी जून या जुलाई में आके कोई मतलब नहीं बनता है गाइस. डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मौसम रहता है गोवा में, बारिश तो देखने लायक होती है, बट अभी कोविड के चलते यार थोड़ा तो हमें भी जो है वो समझ कर लेना चाहिए और मतलब प्रिकॉशंस वगैरह जो है रूल्स वगैरह वो हमको भी फॉलो ज़रूरी है गाइस करना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सेफ्टी एंड फॉर दी अदर्स. सो दिस इज़ द न्यूज़ विच आई वॉन्टेड टू गिव. और डेफिनेटली यार आगे जो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा तो उसमें भी मैं आपको जो है कम्प्लीटली अभी कवर करते रहूँगा जो कि छूट गया है. सो डिटेल में जो है मैं आपको गोवा के लोकेशन पर लेकर जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा इंशाल्लाह गाइस, और बताऊँगा कि अभी क्या क्या रीस्टार्ट है क्या क्या नहीं है. देखिए दुकानें वगैरह वैसे ही है, पहले जो था कि मतलब 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो है, 1 बजे तक सॉरी, जो है दुकानें चालू रहती थी. बट अभी थोड़ा लेवरेज मिल गया है मतलब जून में कि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो दुकानें जो शॉप्स वगैरह है एसेंशियल्स वगैरह है तो वो सारी की सारी ओपन रहती है गोवा में. बट 3 बजे के बाद में जो है अगेन कम्प्लीटली बंद हो जाती है, एक्सेप्ट मेडिकल्स चालू रहते हैं, छोटे जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स हैं तो वो चालू रहते हैं, बट ओनली टेक अवे चालू रहता है, सीटिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है गाइस. सो दिस इज़ वन मोर थिंग. तो ये जो है सिर्फ 3 बजे तक, अभी 7 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर कोई गोवा में है भी टूरिस्ट तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो है वही चालू रहता है एसेंशियल्स वगैरह, उसके बाद में कम्प्लीटली अगेन बंद हो जाता है गाइस. सो ये एक सजेशन, जैसे कि मैंने वापस से रिपीट करा, एक सजेशन है वापस से मतलब गोवा में टूरिज्म सेक्टर को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज गोवा का जो मेन एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम है गाइस वो टूरिज्म से आता है, माइनिंग्स वगैरह भी है, बट टूरिज्म इज़ द मेन सेक्टर एक्चुअली, मेन सोर्स ऑफ इनकम टू गोवन पीपल एंड गोवा. सो आई होप ये मतलब वापस रिस्टार्ट हो जाए, और मतलब अगर जिनके 2 वैक्सीनेशन हो गए सो उनके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है गाइज ये. सो होप फॉर द बेस्ट. एंड गाइज यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और आपके प्यार के लिए मतलब मैं 1.5 महीना आपके साथ में नहीं था गाइज, बट आपके मैसेजेस जो कंटिन्यू आ रहे थे उसके लिए बेहद दिल से शुक्रिया गाइज, थैंक यू वेरी मच. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए. मा सलाम.